नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। जैसा कि साथियों आप थंबनेल में देख रहे हैं, पीएनपी सचिव जी के द्वारा कुछ बातें हुई हैं जिसको इस वीडियो में बताया जाएगा आपको कि स्कूटनी का फॉर्म कब आएगा, कब हमारे जो भी बैक प्रशिक्षु साथी हैं स्कूटनी का फॉर्म भर पाएंगे, और उसके साथ एक बहुत बड़ी लेटेस्ट न्यूज, फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट कब तक आएगा। इन सभी लेटेस्ट और काफ़ी ज़्यादा परेशान है प्रशिक्षु इस मुद्दे पर कि ये सब प्रश्न उनके मन में थे, उस पर पीएनपी सचिव जी की वार्ता हुई है, वह मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को देखते ही अपने हर एक ग्रुप, हर एक प्रशिक्षु तक वीडियो जरूर पहुँचाएँ, क्योंकि यह चैनल आपका है, तो अपने चैनल को जरूर शेयर करें। तो साथियों वीडियो को करते हैं शुरू, क्योंकि आज ऐसे तीन प्रश्न मैं लेकर आया हूं इस वीडियो में जिन पर बहुत ज़्यादा संशय था, बहुत ज़्यादा डाउट था। मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस और कॉल प्राप्त हुए कि सर स्कूटनी रिजल्ट का क्या होगा, बैक प्रशिक्षु बहुत परेशान है, और फोर्थ सेमेस्टर के भी लगातार कॉल मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हमारा रिजल्ट कब आएगा, हमारी कापियों का मूल्यांकन कब तक हो जाएगा। तो इस पर जो भी सचिव जी के द्वारा बात हुई है वह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो साथियों सचिव जी से बात हुई है, उन्होंने साफ साफ शब्दों में यह कह दिया है कि सबसे पहले चतुर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा, उसके पश्चात ही स्कूटनी का फॉर्म आएगा, उसके बाद ही स्कूटनी फॉर्म आएगा, तब आप फॉर्म भरेंगे जो भी हमारे बैक प्रशिक्षु साथी हैं, उसके बाद ही आपको स्कूटनी में यदि आप पास होंगे, द्वितीय सेमेस्टर में यदि आपकी दो विषय में बैक है तो आपको उन दो विषय का पेपर देना होगा, उसके पश्चात स्कूटनी में यदि आप पास हो गए हैं तो आपको प्रो अन्नत का लाभ मिलेगा, अन्नता की स्थिति में आपको तृतीय सेमेस्टर के सारे विषय के एग्जाम देने होंगे, तत्पश्चात आप चतुर्थ सेमेस्टर का एग्जाम देंगे। जैसा कि हमारे बहुत सारे साथियों ने यह इन्फॉर्मेशन उनको भी ज्ञात हुई तो मैं यह आपको बता रहा हूँ। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी से वार्ता के क्रम में यह ज्ञात हुआ है, सितंबर माह में डीएलएड के आयोजित हुई समस्त परीक्षाओं के परिणाम आने के पश्चात ही स्कूटनी की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा का परिणाम आने के पश्चात ही स्कूटनी की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। तो साथियों आप परेशान मत होइए, जो भी हमारे बैक साथी हैं उनको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे पहले और सबसे तेज़ आपको न्यूज़ मैं दूंगा। हमेशा की तरह हर एक मुद्दे को हमेशा से उठाया हूँ और आगे भी उठाऊँगा, इसके लिए हर एक संभव प्रयास किया जाएगा जिससे हमारे डीएलएड प्रशिक्षुओं का हित हो। तो साथियों स्कूटनी का फॉर्म अगले महीने आएगा, जब तक आपके सारे रिजल्ट नहीं आ जाएंगे जो भी सितंबर माह में हुए हैं सचिव जी ने बता दिया है, उसके पश्चात ही आपका स्कूटनी का फॉर्म आएगा। और मैं पुनः बता रहा हूँ, जिनकी तीन या तीन से अधिक में बैक है उनको सारे एग्जाम देने होंगे, यदि वो स्कूटनी में भी फायदा नहीं मिलता है, अन्यथा की स्थिति में यदि आपको बैक है, आपकी बैक है, स्कूटनी में भी आप पास नहीं हो पाए हैं, तत्पश्चात आपको प्रो अन्नत का लाभ नहीं मिलेगा, ऐसा जियो में लिखा गया था। रही बात चतुर्थ सेमेस्टर की, तो रिजल्ट नवंबर के आखिरी सप्ताह में रिजल्ट आपके बीच होगा। तो साथियों वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो को एकदम तूफान की तरह हर एक ग्रुप, हर एक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।